के हरियाणा सरकार में वजीर है। ठीक पिछले जिस तरीके से मैंने आप सबका पहले नाम लिया है उस तरीके से ही पिछले सम्मानित व्यक्ति का नाम मेरे पास है। मैं सबसे माननीय मंत्री जी का सम्मान कराऊंगा। आप माननीय सबसे पहले श्री महिपाल टाडा जी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आगे खड़े हैं सारे बैठ जाए प्लीज हाथ जोड़ने में बैठ जाए। तुम्हें सामने कुर्सियां आपके सामने पंडाल के अंदर व्यवस्था करी हुई है। आप सारे साथी व्यवस्था को खराब करने का काम ना करें क्योंकि आपकी आप तो इसका बेसब्री से इंतजार था। मेहमान खुदूसी आपके बीच पहुंच चुके हैं तो मेरे साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है और पंडाल के पीछे जो होल के अंदर मेरे नौजवान साथी युवा साथी जो बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सारे सामने आकर जो भी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों उगलते हुए खून की रवानी है महिपाल जो समय मध्य प्रदेश के युवा बहुत छोटे से नोटिस के ऊपर तकरीबन 120 से 140 तक पर गया उपस्थित है। महिमा डांडा जी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष पटेल जी सरपंच मंत्री जी मैं लगभग 5 महीने पहले मेवात और मेवात के बारे में पूरे हरियाणा में पूरे भारत में भ्रम है कि मेवात में क्यों आरोपी जगह है। मंत्री जी मैं 5 महीने के लगभग ऐसा कहना चाहता हूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी मेरी उम्र है उतना कहियो करता आपका जिंदगी का तजुर्बा है। एक कोई काम बताओ आपको याद आया हो कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत ने एक ये काम कर दिया जिससे हर गरीब आदमी का भला हुआ हो। भाइयों याद करोगे मुश्किल से आपको एक आधी बात याद आएगी। जब मैं इस तरह की बात कर रहा था तो एक कांग्रेस के लोगों ने मुझे कहा कि डांडा साहब हमने एक प्रोग्राम गरीब के लिए किया है। मैंने कहा क्या काम कर दिया? बोले हमने जिस बीपीएल की व्यवस्था खड़ी की है। मैंने कहा बीपीएल की व्यवस्था खड़ी कर दी क्या ये सब गरीब भाइयों के लिए दिए? बोले सब गरीबों के लिए तो नहीं, हमने SC समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और आदिवासी समाज के लिए इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया। हम लोग तो कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग एक चुनाव खत्म होता तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते। हमारा बिल्कुल एकदम संगठन तैयार, बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता इस युद्ध में डट गए। हमारे प्रमुख की समितियां सुन लोगों तैयारी पूरे एकदम परफेक्ट है और परफेक्ट ही नहीं है, बहुत बड़ी जीत के साथ बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोग ये 10 की 10 सीट हरियाणा की जीतने वाले हैं। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं उतारा राज बब्बर जी को पता लग जाता। मेवात के धरती के लोग हैं, पसीना छुड़ाएंगे। अभी तो क्या, अभी तो ढोल नगाड़ा बजना भी शुरू नहीं हुआ ठीक तरह से। मेवात के लोगों में भाजपा पार्टी की कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है जहां आज खाली कुर्सियां देखने को मिली है। नहीं, मेवात के लोगों की कोई नाराजगी नहीं, बात रही खाली कुर्सियों, खाली कुर्सियां तो आपको नजर आई मगर जो रोड के ऊपर इतना जबरदस्त भव्य स्वागत करते हुए तो लोगों का हजूम था वो भी तो नजर आना चाहिए। अब सर उधर कई बार होता यही है कि भाई अंदर आदमी कई बार नहीं बैठता, गर्मी का मौसम है। अब यो बाहर भीतर सारी जगह खड़े तो खड़े हैं आपकी मर्जी सर। जो 2-3 किलोमीटर ये खाली कुर्सी कोई पैमाना नहीं होता सर। खानपुर घाटी से पिनौगा तक आपके साथ हजारों गाड़िया जो गार्ड काफिला आया उसके साथ स्वागत हुआ है, वो स्वागत हुआ है क्या कभी मेवात में पहले से सोचा था? आज तक मैंने कहा मेवात की धरती पे इस तरह का स्वागत होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। हजारों हजार लोग गाड़ियों के साथ बाइक के साथ पैदल जिस जोश जुनून से चल रहे थे उस कोई मुकाबला नहीं।